मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो गया है। सितंबर महीने में अब तक औसत 11 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस महीने की सामान्य बारिश 6 इंच है। यही वजह है कि प्रदेश सूखे से बाहर तो निकल ही, ओवरऑल बारिश का आंकड़ा भी बराबरी पर आ गया है। प्रदेश में अब तक औसत 36.94 इंच पानी गिर चुका है। 28 सितंबर से फिर नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस को दी गई जमीन में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जमीन पहले तय की गई लीज की शर्तों के तहत ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने इतने बड़े इवेंट G20 का सफल आयोजन किया, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी यूथ उठा लेता है उसका सफल होना तय हो जाता है। आप लोगों की वजह से भारत हैपनिंग प्लेस बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझ पर लोगों को जेल में डालने का आरोप है। भारत सरकार ने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आधार कार्ड को दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान पत्र बताया है। मूडीज इन्वेस्टर्स ने 21 सितंबर को जारी की गई अपनी रिपोर्ट में आधार से जुड़ी लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता पर चिंता जाहिर की है। प्लॉट घोटाले में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार वारंट जारी किया है। पंजाब विजिलेंस ने सोमवार को बादल गांव स्थित उनके आवास पर छापा मारा था। अदालत मामले की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को करेगी। श्रीलंका ने चीन के जहाज़ों को अपने देश में रुकने की इजाज़त नहीं दी है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इसकी पुष्टि की है। साबरी ने कहा कि भारत की चिंता हमारे लिए बेहद अहम है, हमने इसके लिए अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर COP बनाया है और इसे बनाते वक्त भारत सहित दूसरे दोस्तों से सलाह भी ली गई है। कनाडा के संसद में पूर्व नाजी सैनिक यारोस्लाव हुंका का सम्मान किए जाने पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संसद नहीं पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, घटना काफ़ी निराश करने वाली है। ट्रूडो ने कहा स्पीकर ने अपनी गलती मान ली है और उन्होंने माफ़ी मांगी है। बीजेपी प्रवक्ता साबित पात्रा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला करते हुए कटघरे में कांग्रेस नाम से 400 पन्नों की आरोप डायरी जारी की है। साबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, हमेशा की तरह कांग्रेस झूठे वादों की ढोल पीट रही है। अभिनेत्री श्री लीला दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के शीर्ष अभिनेत्रियों में एक हैं। अभिनेत्री इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म स्कंद की रिलीज की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच उन्हें लेकर नई खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार श्री लीला ने एक दिग्गज अभिनेता के खिलाफ उन्हें अश्लील मैसेज भेजने पर शिकायत दर्ज करवाने की चेतावनी दी है। शीलादित्य बोरा अपनी यथार्थवादी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनके निर्देशन में बनी फिल्म भगवान भरोसे का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में विनय पाठक, मासूम बेदीजा, श्रीकांत वर्मा और मनु ऋषि चड्ढा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म 13 अक्टूबर 2023 को भारत, अमेरिका, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।